पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता, सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल, जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। इस न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज, मैं हूं रणधीर कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 आज तीसरे चरण का मतदान और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मोतिहारी स्थित मंगल सेमिनरी उच्च विद्यालय बेलवनवा मोतिहारी में, जहां पे आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है इसको। और यहां पे बता दें आपको कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूर्वी चंपारण जिले में आज 6 विधानसभा सीट पे मतदान होने हैं और आपको बता दूं कि तीसरे चरण पूर्वी चंपारण के 6 विधानसभा सीट मोतिहारी, चिरैया, ढाका, सुगौली, रक्सौल व नरकटिया में आज मतदान जारी है, जिसको लेकर मतदाताओं के बीच काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आज पूर्वी चंपारण में 6 सीट पे मतदान हो रहे हैं, जिसमें 88 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला होगा आज। और आपको बता दें कि आज हो रहे मतदान में पूर्वी चंपारण जिले के कुल 2569 बूथ बनाए गए हैं पूर्वी चंपारण जिले में, जहाँ से 17,81,681 मतदाता आज मतदान करेंगे। विधानसभा वाला आपको बता दूं, मोतिहारी में 554 बूथ बनाए गए हैं, चिरैया में 427, ढाका में 467, रक्सौल में 390 और सुगौली में 414 बूथ बनाए गए हैं। नरकटिया की बात करूं तो नरकटिया में 417 बूथ जो है उसमें मतदान आज जारी है। और कोविड-19 को लेकर इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दूं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। बूथों पर पहुँच रहे मतदाता जो हैं उनको पहले हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ रहा है, उनका टेम्परेचर चेक हो रहा है, उसके बाद उन्हें ग्लोव दिया जा रहा है जिसे पहनकर मतदाता मतदान कर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं बूथ पर डस्टबिन रखे गए हैं जिसमें ग्लोव्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और कई जगहों से शिकायत आ रही है कि बिलों द्वारा पर्ची नहीं दिए जाने से लोग नाराज दिखे, बहुत सारे बुजुर्ग भी थे, वोट नहीं दे सके हैं। क्या दिक्कत क्या हुआ है? नामे नहीं है। नाम नहीं है आपका? ना। क्या बताएं, यहाँ पे पूछे हैं तो आप नहीं बताएं कि आप, आपका नाम ही नहीं है। क्या आप इनके क्या हुआ? मैं लड़का हूँ इनका। क्या परेशानी हुआ है? परेशानी ये है कि इनका लिस्ट में नाम ही नहीं, पूरी फैमिली का है। अच्छा। और जब भी इलेक्शन होता है सबसे ज़्यादा घर में उत्साहित यही रहते हैं। अच्छा। कि मुझे वोट देना है। अच्छा। और बड़े दुख की बात है कि हर इलेक्शन में दिए इन्होंने वोट, लेकिन इस बार ये नहीं दे पा रहे हैं, ये सभी के लिए दुख की बात है। ये क्या बताया गया, नाम क्यों कटा? ना ये बोल रहा है कि हम लोग को नहीं पता है, वो लुम्बिनी भवन में जा करके पता कीजिए। अच्छा। या अपने वार्ड कमिश्नर से बात कीजिए। इनकी उम्र कितनी हुई चाचा की? 80 प्लस है। तो अभी आप देख पा रहे हैं 80 प्लस के एक वोटर हैं यहाँ पे और वोट देने के लिए गए थे, लेकिन वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। कई जगहों से शिकायत आ रही है कि बीएलओ ने पर्ची नहीं बांटे हैं, जिसको लेकर बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है, लोगों को वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा। अभी इनको लुम्बिनी भवन भेजा गया, अभी ये लुम्बिनी भवन जाएंगे, कहाँ पर चक्कर लगाएंगे, सभी लोग आज बिजी हैं। जैसा कि पता है आप लोगों को वोट चल रहा है आज, तो काफ़ी इस तरह की अनियमितता है कि शिकायत आ रही है कि बीएलओ द्वारा पर्ची नहीं बांटा गया, जिसको लेकर वोट देने में लोगों को परेशानी आ रही है। और वोटिंग परसेंटेज, मैंने एक बात किया जो यहाँ पे अधिकारी हैं जो वोट दिलवाने में ड्यूटी पे हैं, उन्होंने बताया कि ऑफ द कैमरा बताया कि बीएलओ ने पर्ची नहीं बांटे हैं, जिसको लेकर आज जो है मतदान प्रतिशत में काफ़ी स्लो चल रहा है मतदान प्रतिशत, काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या सोच के वोट किए हैं? अभी शहर का विकास हो, जिला का विकास हो, यही सबसे बड़ा पैमाना यही है। वोट हम लोग इसीलिए देते हैं ना कि अच्छे अच्छे प्रतिनिधि चुने जाए जो हमारा हमारे समाज का विकास करें, दूसरा क्या, सबसे बड़ी बात यही है। आपका पहला वोट है? इससे पहले भी वोट किया? पहले मैंने कई दफा वोट दिया। अच्छा, मैंने वोट दिया। आप वोट कर दिए? हाँ। एक बार उंगली दिखाएंगे कैमरे पे। क्या सोच के वोट देने गए थे, दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच के वोट किए हैं? अच्छा सोच के, अच्छा होके, सही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। वोट करके आ रही हैं कुछ महिलाएं। हटना बाबू जी, आप पहले, सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। सारिका कुमारी। सारिका जी, आप वोट करने गए हैं तो दिमाग में क्या चल रहा था? क्या बोले? कुछ नहीं, सही। अच्छा, क्या सोच के वोट किए हैं? क्या बोले, क्या कुछ तो दिमाग में होगा ना, क्या सोचे होंगे, विकास चाहिए, क्या चाहिए? विकास चाहिए, विकास चाहिए। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? अंजलि कुमारी। अंजलि जी, क्या सोच के वोट किए हैं? यही सोच के वोट किए हैं कि हम जिसमें वोट दे वो सफल हो। अच्छा। हमारी हमारी इस बिहार की प्रगति हो। और तो अभी आप देख रहे थे यहाँ पे कुछ लोग थे जो वोट करके आए हैं, उनका कहना है कि हम विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा वोट जहाँ जाए वो सफल हो, ऐसा कहना है इनका। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और भी बूथ पे क्या स्थिति है उसका जायजा लेंगे। इस वक्त देख पा रहे होंगे एक और बुजुर्ग महिला है वोट देकर आ रही हैं। दादी, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे एक बार।
शांति देवी। आप वोट करके आए हैं? हाँ, दे के आए हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 88 88 वर्ष उम्र हो गई है आपकी। हाँ। तो आप पहले काफी दिनों से वोट देते आ रहे होंगे, इस बार जो वोट देने आए हैं किस तरह का परिवर्तन कुछ दिखा है? हाँ, इसमें बहुत उन्नति हुई है पहले से। उन्नति हुई है? हाँ। अच्छा, आप वोट दिए क्या सोच के वोट दिए हैं? अरे, बिहार की उन्नति हो इस सोच के वोट दिए हैं। और भी लोग हैं, आप भी वोट देकर आ रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? मनीषा प्रसाद। मनीषा जी, क्या सोच के वोट किए हैं आज? सोच के वोट दिए हैं कि फिर से जो हमारी जो स्थिति जो पहले थी वो फिर से नहीं हो। मुद्दा यही है विकास का, है ना, यही सब सोच के हम लोग वोट दिए हैं। आगे हम लोग किसी खुल के बोलने पे तो नहीं। नहीं जी, हाँ, धन्यवाद। और भी लोग हैं, आप वोट दे के आए हैं क्या? क्या सोच के वोट किए हैं आज? दिए हैं कि विकास हो, उन्नति हो। अच्छा। यही सब सोच के दिए हैं, आगे भी अच्छा रहे। अच्छा, COVID-19 चल रहा है इस वक्त, COVID-19 का दौर है, पहली बार कहीं भी चुनाव हो रहा है यहाँ पे, हम लोग आप तीसरे चरण के मतदान में हैं, तो यहाँ पे जो व्यवस्था किए गए हैं उससे लेकर संतुष्ट हैं कि नहीं आप? किस तरह की व्यवस्था की गई है? नहीं, व्यवस्था तो अच्छी है जी, COVID-19 को लेके। ऐसे तो व्यवस्था यहाँ की अच्छी ही रहती है, लेकिन 19 को लेके और अच्छी व्यवस्था है। सभी चीज़ पे रोकथाम है ऐसे अच्छे सब कुछ। आगे नहीं वोट देवे, लिखो रहे मर जाएगा तो मर जाए, ना छो तो इतने दिन में गुजर गया। क्या हुआ दिक्कत? हाँ, दिक्कत यह है कि डांड टूट गया है बेटा, ना चला जाए, कितना दवाई करें तो ना भूखेला नहीं मर। कैमरामैन नंदन के साथ रणधीर कुमार, एचटीवी न्यूज, मोतिहारी। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज।